हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड हाउस डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 30x90 फ्रंट, इसका 30 फिट या लंबाई इसकी 90 फिट की है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में फैक्ट्री के पर्पज से मिलेगा, उसके ऊपर आपको मार्केट मिलेगा, उसके ऊपर आपको दो भाइयों के हिसाब से मकान कम्प्लीट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना मार्केट का नाम लिख सकते हैं। कम्प्लीट एरिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके गिलास का यूज किया है, ऑल टाइम उजाला भी बना रहेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 30x90 फ्रंट इसका 30 फिट या लंबाई इसकी 90 फिट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल भी दिए गए, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके की सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। इस स्पेस का मैंने साइज रखा हुआ है 6.5x18। ये 6.5x18 का आपका स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं 6.5x18। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से शटर दिख जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके दिख जाता है, शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले 7.5 फिट का स्पेस दिखेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। इस साइड से विंडो दी है, साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12। ये 10x12 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 10x12। इसके जस्ट अगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, इंटी लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा 4x10। ये 4x10 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से इंटीग्रेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप इंटी लेंगे, इंटी लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से। ये सेम साइज का आपका रूम दिया है 10x12 का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा पीछे हॉल दिख जाता है कुछ इस तरीके से, पूरा आपका हॉल बना हुआ है। इस साइड का आपका स्पेस 65.5 फिट दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद इस साइड का स्पेस आपका दिया है 70 फिट का दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसका हॉल का साइज रखा हुआ पूरा, देख सकते हैं आप। तो ग्राउंड फ्लोर में आपको दो रूम दिया, एक लैट्रिन बाथरूम दी, बाकी का यहाँ पे आपको हॉल दिया फैक्ट्री के पर्पज से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। कॉमन आपका जीना दिया हुआ है, बाहर से आपका जीना बनाया है। जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 7 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट जाती है, जो कि आपका ऊपर का मार्केट दिया है। मार्केट के पर्पज से यहाँ पे आपको टॉयलेट दी है। जीने के नीचे आपकी कॉमन टॉयलेट बनाई हुई है। जीना आपका 3 फिट का दिया है, कम्प्लीट जीना कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने में कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने वाला सेम साइज का आपका जीना दिया हुआ है पूरा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बालकनी टाइप की दिख जाती है मार्केट के पर्पज से, देख सकते हैं। इस बालकनी का मैंने साइज रखा 6x18 की आपकी बालकनी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको 7.5 फिट की गैलरी दिख जाती है, बीचों बीच 7.5 फिट की आपकी गैलरी दी है लास्ट तक, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको दो दुकानें दी जाती है कुछ इस तरीके से। इन दोनों दुकानों का साइज मैंने सेम रखा है। दुकान का मैंने साइज दिया 10x12। ये 10x12 की दोनों दुकानें दी गई हैं, देख सकते हैं ये 10x12। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से दुकानें दिख जाती हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 दुकानें आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 दुकानों का सेम साइज दिया हुआ है। दुकान का मैंने साइज रखा 10x10। ये 10x10 की आपकी 5 दुकानें दी गई हैं। इसके फ्रंट के सामने भी देख सकते हैं, इस साइड भी आपको सेम दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको 5 दुकानें सेम साइज की मिल जाती हैं 10x10 की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पीछे कुछ इस तरीके से 4 दुकानें दिख जाती हैं। इन चारों दुकानों का साइज मैंने सेम रखा है। दुकान का मैंने साइज दिया है 9x10। ये 9x10 की आपकी दुकान दी है। फ्रंट इसका 9 फिट रखा है, लंबाई इसकी 10 फिट रखी है। ये 9x10 की आपकी 4 दुकानें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपको 16 दुकानें दी गई हैं। फ्रंट में आपको 2 दुकानें बड़ी दी हैं, उसके बाद आपको 10 दुकानें 10x10 की दी हैं, तो 4 दुकानें आपको 9x10 की उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ इस तरीके से आपका मार्केट बना हुआ है।
अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने पर कुछ इस तरीके दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके जीना दिया गया है, देख सकते हैं जैसा कि आपको नीचे देखने मिला सेम साइज का आपका जीना बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉबी मिल जाती है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला था ये कंप्लीट आपकी लॉबी दी है 6x18 की, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हाउस के पर्पज से आपकी लॉबी उपलब्ध कराई, काफ़ी बड़ी आपकी लॉबी दी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो एंट्री गेट दिख जाते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गैलरी दिखती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस गैलरी का मैंने साइज रखा है 3 फीट 8 इंच, ये 3 फीट 8 इंच की आपकी गैलरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन इस साइड से विंडो दी है, इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक दिख जाती है, देख सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज रखा 10x16, ये 10x16 की आपकी बैठक दी गई है, देख सकते हैं आप 10x16। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x16, ये 10x16 का आपका रूम दिया, सेम साइज के आपके दोनों रूम उपलब्ध कराए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा हॉल दिख जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 14x16, ये 14x16 का आपका हॉल दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप 14x16 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है। वेंटिलेशन को जिस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया है, यहाँ पे आप एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है 4x10, ये 4x10 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके ओपन किचन मिल जाती है, किचन के वेंटिलेशन साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, पीछे आपका 2 फीट का स्पेस दिया है, ऊपर मैंने जाल रखा हुआ है रूफ का, और लैट्रिन बाथरूम का फुल वेंटिलेशन किचन का होता रहेगा। इस किचन का मैंने साइज रखा है 8x10, ये 8x10 की आपकी ओपन किचन दी गई है, देख सकते हैं आप 8x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा रूम दिख जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया, वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध आई गई है। इस साइड से गेट से एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन स्पेस दिख जाता है, ऊपर मैंने जाल रखा हुआ है, रूम का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा है 4x7, 4x7 की आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी गई है। इस रूम का मैंने साइज रखा 14x14, ये 14x14 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं ये आपकी लैट्रिन बाथरूम पीछे बनाई हुई है, आपकी सेपरेट लैट्रिन बाथरूम दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको 3BHK हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कंप्लीट दिख जाता है, देख सकते हैं फ्रंट में आपको 2 रूम मिलते हैं, हॉल मिलता है, लैट्रिन बाथरूम, किचन, और लास्ट में आपको सेपरेट रूम मिल जाता है और लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध कराई गई है। इस साइड का भी आपका सेम प्रोसेस दिया, अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तब भी आपको सेम प्रोसेस दिख जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 रूम मिल जाते हैं, हॉल मिल जाता है, लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है, किचन मिल जाती है, पीछे आपको रूम मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेपरेट लैट्रिन बाथरूम भी मिल जाती है, पूरा आपका सेम प्रोसेस दिया हुआ है। कंप्लीट आईटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, आपका एंट्री गेट लगा है, ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के आपके वेंटिलेशन जाल दिया हुआ है, जो आपकी लैट्रिन बाथरूम दिया है, ओपन स्पेस थोड़ा है उसके वेंटिलेशन जाल दिया है, और यहाँ पे आपको किचन के वेंटिलेशन दोनों साइड से जाल दिए गए हैं। बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस दी जाती है कुछ इस तरीके से। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। 30x90 मार्केट हाउस प्लान कंप्लीट आपका बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत पसंद आया, पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।